हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोगरा प्लांट केयर के बारे में। विंटर सीजन में मोगरे के प्लांट की किस तरह से देखभाल करें जिससे कि हमारा मोगरे का प्लांट हेल्थी और हरा भरा बना रहे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, मेरा मोगरे का प्लांट है और इसमें अभी भी फूल आ रहे हैं, कम आ रहे हैं लेकिन फूल आ रहे हैं। विंटर सीजन में मोगरे के प्लांट के ऊपर फूल नहीं आते हैं। अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है तो सर्दियों में मोगरे के प्लांट के ऊपर फूल नहीं आते क्योंकि ये समर सीजन प्लांट है। विंटर सीजन में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। सर्दियां इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं नवंबर दिसंबर में तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इसकी पत्तियाँ झड़ भी जाती हैं। जैसे ही अगर इसकी पत्तियां झड़ जाए तो दिखने में लगता है कि ये प्लांट सूख गया है, लेकिन ये सूखता नहीं है। फरवरी महीने में इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तब इसके जो सूखी टहनियां होती हैं उनमें पत्ते आ जाते हैं। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हमें अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, ना ही सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। हमें अपने प्लांट की उन्हीं ब्रांच को काटना है जो एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे ये एक्स्ट्रा प्लांट ब्रांच है इस प्लांट की, जैसे इस ब्रांच की ये जो पत्तियां हैं ये पीली भी पड़ गई हैं और सूखने भी लग गई हैं, तो इसको हमें निकाल देना है। हमें अपने प्लांट की एक्स्ट्रा ब्रांच को इस तरह से काटना है कि जो मोगरे का प्लांट है इसमें एक शेप नुमा प्लांट बन जाए। एक शेप में इसको काटना है और इसके जो फूल खिले हुए हैं, जैसे मेरे प्लांट पर अभी कुछ फूल खिल रहे हैं क्योंकि मैंने इसको फुल सनलाइट में रखा हुआ है, तो जैसे ही इसमें फूल खिल जाएं, खिलने के बाद इनमें इस तरह का ब्लैक कलर का बीज बन जाता है। जैसे ही इस तरह से बीज बन जाए तो हमें उस ब्रांच को नीचे से 2 या 3 इंच नीचे से काट देना है। जब ये फूल सूख जाएगा और इसमें बीज बनने लग जाएगा तो मैंने भी इसको इसी तरह से काट देना। जैसे एक ब्रांच से मैंने इसको बीज को निकाला तो हमें इस तरह से इस ब्रांच को काट देना है। विंटर सीजन में मोगरे के प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस प्लांट में पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी ड्राई हो, सूख गई हो, और पानी इतना ही दें जिससे कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और ऐसा भी नहीं कि पानी बिल्कुल ही ना दें। सर्दियों के मौसम में इस प्लांट में फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना चाहिए और इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ की इसको 5-6 घंटे की धूप आसानी से मिलती रहे। दिसंबर जनवरी महीने में जब ज़्यादा ठंड हो जाती है, कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, ऐसे मौसम में इस प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं। नहीं, मोगरे के प्लांट को नेक्स्ट सीजन तक सेफ रखने के लिए जो बातें ज़रूरी है वो है, विंटर सीजन में इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, ना ही इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना है। पानी भी इस प्लांट में तभी डालना है जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी हुई हो। हफ्ते में 1 या 2 बार इस प्लांट में पानी डालना है और इस प्लांट को फुल सनलाइट इन 5 या 6 घंटे की धूप इस प्लांट को ज़रूरी है, तो इसको धूप वाली जगह पे ही रखें। जब ज़्यादा सर्दियां हो जाती हैं, दिसंबर जनवरी में ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तब इस प्लांट को इंडोर रखें या ऐसी जगह पे रखें जहां इसके ऊपर धुंध या कोहरा ना पड़े।